अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी जो MBBS है, ग्रेजुएशन है, वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से की। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर अमेरिका चला गया। वहाँ पे पहले मैंने इंटरनल मेडिसिन में अपनी रेजिडेंसी ट्रेनिंग कम्प्लीट की। देन आई बिकेम डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन। उसके बाद फिर मैंने नेफ्रोलॉजी, जो किडनी से रिलेटेड स्पेशलिटी है, उसमें अपनी फेलोशिप कंप्लीट की। फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया तो मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ। देन आई मूव्ड ऑन टू वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर वेलहाला न्यूयॉर्क में। वहाँ पे मैंने किडनी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी में जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन होता है उसकी अपनी फेलोशिप कम्प्लीट की। ये सारी ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद मैं फिर टेक्सस मूव हो गया। वहाँ पर मैंने 10 साल प्रैक्टिस की इन द फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। अब मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। नेफ्रोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक आपके गुर्दों से हो, किडनी से हो, उसको मैं डील करता हूँ। काफ़ी दफ़ा लोग आते हैं आपके पास, उनमें कन्फ्यूजन पाया जाता है कि उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है कि यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है जो कि मेरे ख्याल में सबको पता होना चाहिए। उसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं लोगों को ये देता हूँ कि जैसे आपको चेस्ट पेन होती है, सीने में दर्द होती है, तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डिक सर्जन के पास नहीं जाते। इसी तरह से जब किडनी का कोई प्रॉब्लम है, आपको गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्रिएटिनिन ऊपर है, पेशाब में आपके प्रोटीन आ रही है या खून आ रहा है या किडनी स्टोन है, तो सबसे पहले आप जो है ना किडनी के स्पेशलिस्ट फिजिशियन के पास जाते हैं। वो जो फिजिशियन स्पेशलिस्ट है ना किडनी से रिलेटेड, वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो इसी सारी चीज़ों का सर्जन है कि अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है तो वो यूरोलॉजिस्ट है। तो इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर हो, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, पेशाब में प्रोटीन आ रही हो, ब्लड आ रहा हो, किडनी स्टोन हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो आपने सबसे पहले जाना है वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको रेफ़र करता है यूरोलॉजिस्ट के पास कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो सारी किडनी से रिलेटेड जो कॉमन बीमारियां, जिनमें पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सबसे कॉमन जो किडनी की बीमारी है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। उर्दू में आप उसे गुर्दों की दायमी बीमारी कह सकते हैं। अब ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ना, ये खामोश कातिल है, ये साइलेंट है, इसके कोई साइन सिम्टम, कोई अलामत नहीं होती अर्ली ऑन। और आपको जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी स्टोन है, कुछ मरूसी बीमारियां, ये सारी मिलके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ करती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और इस लेवल तक चली जाती है कि आपके गुर्दे मुकम्मल तौर पे फेल हो जाते हैं। जब आपके गुर्दे फेल होने के नज़दीक होते हैं तब आपको सिम्टम्स या अलामत अपीयर होती हैं। उसकी बड़ी बड़ी अलामत में भूख का ना लगना, नींद का ना आना, पाँव पे सोज, वर्म या डीमा का हो जाना, आपको जो है थकावट होना, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट, आप बड़ा इजीली फटीग हो जाएं, या फिर आपके मुंह से कोई स्मेल आए, आपकी रंगत चेंज हो जाए। और अगर ये अलामत बढ़ती जाएँ और आप इसका इलाज ना करें तो आप फिर बेहोश भी हो सकते हैं, आपको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ये सारी अलामत आती एंड स्टेज में है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर वो इंसान जिसको या तो शुगर है या उसको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये दो सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं किडनी डिजीज़ की, उसको उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये जाने कि उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं हो गई। उसका जानने का तरीका ये कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट और एक सिंपल सा यूरिन टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर आप स्क्रीनिंग करके किडनी डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर इसकी जो है ना इलाज आसान है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेते हैं, तो इसकी क्योर या मुकम्मल जो शफा याबी है वो मुमकिन है। लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते अगली स्टेजेस पे चली जाए तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाती है, फिर ठीक नहीं होती, फिर उसमें अल्टीमेटली आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं, आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो जाती है। उस सिचुएशन में आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाती हैं, या तो आप डायलिसिस करवाएं या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब चूँकि टाइम कम है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो ज़िंदगी में आप करें तो आप किडनी डिजीज़ से बच सकते हैं। इन्हें आप गुर्दों की बीमारी से बचने के सुनहरी असूल या गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें ताकि आप उसका इलाज करें, वो आसान है। दूसरा ये कि आप मुतवाजन ग़िज़ा
متوازن اور زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال کریں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اس کا علاج ٹھیک کریں, بلڈ پریشر ہے اس کا علاج ٹھیک کریں, اس کو کنٹرول میں رکھیں, فالو اپ رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ, اگر آپ کا وزن زیادہ ہے وزن کم کریں, ایکسرسائز کریں, بیلنس ڈائٹ لیں. اور پاکستان میں بڑا کامن ہے کہ لوگ درد کے لیے, پین کے لیے اور مختلف امراض کے لیے کچھ ایسی دوائیاں لے لیتے ہیں جنہیں نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کہتے ہیں, یا حکیم کی یا ہربل یا کشتے. یہ ساری کڈنیز کو ڈیمیج کرتی ہے. ان کو وداؤٹ کسی اچھے نیفرولوجسٹ کی کنسلٹیشن کے کبھی بھی نہ لیں, بالکل نہ لیں. تو یہ تو ابھی ہم نے ساری بات کی ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کی. یہ سب سے کامن ہے. تقریباً ڈبلیو ایچ او کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 20,000 سے 25,000 لوگ ہر سال اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرے نمبر پہ کڈنی ڈیزیز کے رزلٹ میں ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اگر کسی پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن ہے تو نیفرولوجسٹ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے جو اس کو مینج کر سکے. اگر آپ بلڈ پریشر کا علاج نہیں کریں گے تو اس کے رزلٹ میں بھی کڈنی ڈیزیز ہوگی, اسٹروک ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ پاکستان میں چونکہ یہاں گرم ملک ہے, اسٹون بیلٹ میں آتا ہے, کڈنی اسٹونز کا رسک بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگوں کو کڈنی والی جگہ پہ پین ہوتی ہے اور یوزلی اندر گردے کے اندر پتھری یا اسٹون ہوتی ہے. تو اس کی علامت میں درد ہونا, پیشاب میں خون کا آنا, بخار ہو جانا, یہ ساری ہیں. تو اس وجہ سے اس کا علاج بھی انیشل سٹیج میں میڈیسن سے ہوتا ہے تو نیفرولوجسٹ کرتا ہے. اگر اسٹون بڑی ہو تو پھر اس کے لیے آپ یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اب ایک بڑا کامن سا کویشچن پاکستان میں ہر بندہ کرتا ہے ٹرانسپلانٹ سے ریلیٹڈ, کہ میرے گردے فیل ہو گئے, میں نے ٹرانسپلانٹ کروانا ہے, میں کسی کا بھی گردہ لے سکتا ہوں کہ نہیں. تو اس کے لیے میرا ان کو مشورہ یہی ہے کہ پاکستان میں ان ایتھیکل ہے, الیگل ہے, ویسے بھی پروفیشنلی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کا کوئی ریلیٹڈ فیملی ممبر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر, اس کا علاج کریں تاکہ آپ کی کڈنی ڈیزیز کی پریونشن ہو سکے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے تو ادھر ادھر ٹائم نہ ویسٹ کریں, کسی اچھے اتھینٹک کمپیٹنٹ ویل ٹرینڈ نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں. اور وہ جو جو انسٹرکشنز دیتا ہے, جو جو میڈیسن دیتا ہے, جو جو غذائی پرہیز آپ کو بتاتا ہے, اس پہ پوری طرح سے عمل کریں. کیونکہ گردے ہیں تو زندگی ہے, گردے ہیں تو جہان ہے. اور اس کو اگر آپ ٹائملی پریونٹ کر لیں تو آپ ایک ہیلدی اور اچھی اور متوازن زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گردوں کی کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی آن لائن اپلیکیشن پہ جا کے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں دیکھ سکوں. تھینک یو ویری مچ.